नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं खास खबरों की श्रृंखला टॉप 10। चलिए शुरू करते हैं। लैलुंगा के सलखिया में अवैध बेजा कब्जाधारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम सलखिया से हटाए गए अवैध कब्जे। आरंग मर्डर कांड के परिजन मिलने पहुंचे राजीव भवन, सीएम से मुलाकात की मांग को लेकर गृह मंत्री के सामने किया जमकर हंगामा। अब बिना कोरोना जांच के रायपुर शहर में नहीं होगी एंट्री, पॉजिटिव पाए जाने पर शहर के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध, सभी मार्गों में होगा कोविड टेस्ट। आबकारी विभाग के पूर्व एसडी की जमानत याचिका खारिज, 3 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल एसीबी व ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। लैलुंगा के अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक को बचाने के आरोप में आईटीआई अधीक्षक को जिला कलेक्टर ने किया निलंबित। बिना अनुमति के दूसरे राज्य से धान आयात पर खाद्य विभाग ने लगाई रोक, कोई भी मिलस व धान व्यापारी बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे दूसरे राज्य से धान का आयात। रायगढ़ नगर निगम की अनोखी पहल, लोगों में स्वच्छता के लिए जागरूकता लाने, किन्नर करेंगे कार्य, किन्नर गली गली जाकर लोगों को करेंगे जागरूक, प्रदेश में निगम का पहला। और छत्तीसगढ़ के 2 मत्स्य पालकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, दिल्ली में किए जाएंगे सम्मानित, सीएम भूपेश बघेल व कृषि मंत्री ने दी दोनों को बधाई। जांजगीर चांपा सांसद गुहारा मजगल्ले के खानसामे पर महिला ने लगाया आरोप, नहाते समय खानसामे ने बनाई थी महिला की वीडियो, महिला ने थाने में खानसामे के खिलाफ की शिकायत। रायपुर से इलाज कराकर सारंग लौट रहे महिंद्रा कार व ट्रक में भिड़ंत, कार में सवार लोगों को आई चोटें, कार हुई क्षतिग्रस्त, नेशनल हाईवे झलक की घटना, जांच में जुटी पुलिस। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार।